भीषण गर्मी के इस दौर में राजधानी के लोगों के लिए कुछ दिन अभी और भारी पड़ सकते हैं। प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने तेज लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिसमें रीवा, दतिया, गुना, भिंड, ग्वालियर, दमोह और छतरपुर जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 21 और 22 को भी तापमान इसी तरह से बना रहेगा। 23 मई को मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी। तेज हवाओं के साथ मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में फिलहाल कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके कारण अगले 2 दिनों तक पूरे मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और कहीं कहीं हीट वेव के भी चांसेस है, विशेषकर सागर डिवीज़न, ग्वालियर चंबल डिवीज़न और रीवा डिवीज़न में कुछ जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी अगले 2 दिनों तक। उसके बाद तीसरे दिन से 5वें दिन तक कहीं कहीं हल्की गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी टेम्परेचर ऐसे ही बना हुआ रहेगा, 44 के आसपास रहने की संभावना है और उसके पश्चात 22 से 24 तारीख के बीच में हल्की वर्षा की भी संभावना बनी हुई है।